अब है वाह सामने, क्या बात है। इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देख सकते हैं कि कमाल का इनका आवाज है। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, क्या बात है। जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। सर इतना अच्छा आपका सुरीली आवाज है, लेकिन इसके बाद भी आपको क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? सर वो तो मैम जाने की क्यों उन्हें रिजेक्ट। बहुत बड़ी बात है कि एक शो वाला आपको बुला के 10 सेकंड गाना सुन के रिजेक्ट कर देता है। उसका दूसरा कंपटीटर वो फोन करके बुलाता है कि अमरजीत हमारे पास आप चले आओ, हम आपको मौका देना। सच्चिया मोहब्ता निभावांगा, रांझिया मैं तेरा कहलावांगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जाने का वहाँ पे। अच्छा, यानी कि सोनू सूद ने आपको फ्लाइट से मुंबई बुला लिया है, तो फ्लाइट से अब जाएंगे। बॉलीवुड के तो बहुत सारे कलाकार आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या भोजपुरी के कोई कलाकार जो है आपके पास कॉल किए हैं या फिर आपके गाने को शेयर किए हैं? जी नहीं। ऐसा क्यों? हमें अभी बिहार के रहने वाले हैं और वो भी बिहार के हैं। गेहूं के दिल में बसा के दर्द ना लिहा, प्यार के करो से न करिहा। जी वाह, बहुत बढ़िया। अभी हमारे साथ बिहार के लाल अमरजीत है, जो रातों रात स्टार बन गए। एक समय था जब इनको इंडियन आइडल से रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन अभी वहां से ऑफर आया है और अभी इनके गाने के मुरीद यहां तक देखा जाए तो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता, चाहे सोनू सूद हो जाए, सोनू निगम हो जाए, इसके अलावा जुबिन नौटियाल भी हो गए हैं और हर कोई इनका दीवाना हो गया है। सोशल मीडिया पर इनके गाने को शेयर किया जा रहा है। बाकी एक बार फिर से हम इनके पास पहुंचे हैं, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत भैया आप लोगों का कि आप लोग एक बार फिर से आए अपना प्यार देने। अच्छा ये बताइए कि जब से आप सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं उसके बाद से क्या कुछ बदला है? बदले हैं, मतलब बदलना क्या, बहुत कुछ बदला है और बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। हाँ। जी तो ये मुझे अच्छा लगता है। एक समय था जब 6-7 सालों तक लगातार आप गाना गए और बहुत सारे लोग सपोर्ट भी किए, हालांकि इसके बाद फेमस नहीं हुए क्योंकि बहुत सारे शो से भी आपको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन अभी के समय में अगर देखा जाए तो बहुत सारे कलाकार की तरफ से आपको ऑफर आ रहा है, तब कैसा लग रहा है आपको? सर मुझे तो बहुत अपने आप पे फख्र हो रहा है, और फख्र क्या, हमारे भैया, हमारे पापा अभिनव भैया और पूरे समाज, पूरे बिहार भी बहुत अच्छा जी, लग रहा है ना। अब सोचिए कि यही कारण है कि जब मैंने सुबह में ट्विटर खोला है तो इनका एक वीडियो दिखा है और वीडियो पर आपने जुबिन नौटियाल को टैग करके एक वीडियो डाला था और उसके बाद उन्होंने भी आपके वीडियो को शेयर किया है, तो उसी गाने के साथ सबसे पहले हम चाहेंगे कि शुरुआत कीजिए। सच्चिया मोहब्ता निभावांगा, वाह, रांझिया मैं तेरा कहलावांगा। क्या बात है। एक बारी दिल लग जाने दे, दिल दा करार बन जावांगा। इल्तजा दिल दी है, वाह, एक पहल इश्क की होने दे। दिल जानिए मैनु जी लेने दे दो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देख सकते हैं कि कमाल का इनका आवाज है और यही कारण है कि बॉलीवुड के सारे कलाकार अब इनके दीवाने हो गए हैं। अभिनव भाई क्या कहेंगे, एक तरफ अगर देखा जाए तो इनको इंडियन आइडल से रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन एक बार फिर से इनको बुलाया गया है। इंडिया गॉट टैलेंट से इनको बुलाया गया है और ये बहुत बड़ी बात है कि एक शो वाला आपको बुला के 10 सेकंड गाना सुन के रिजेक्ट कर देता है। उसका दूसरा कंपटीटर जो उसका शो है वो फोन करके बुलाता है कि अमरजीत हमारे पास आप चले आओ, हम आपको मौका देना चाहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पे साबित कर दिया गया कि इनके अंदर कितना टैलेंट है। अच्छा इंडियन आइडल में जब आप गए थे तो कौन सा गाना गाए थे कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया, तो वो गाना सुनाइए। मैंने तो बहुत सारा गाना गाया था, लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने खामोशिया गाया था, वो गाना सुनाइए। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, क्या बात है। जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय तो वही पे है ठहरा हुआ। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियां अल्फाज है, कभी आ गुनगुना ले जरा,
बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा खामोशियाँ। क्या बात है, तेरी मेरी खामोशियाँ। वाह सर, इतना अच्छा आपका सुरीली आवाज है, लेकिन इसके बाद भी आपको क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? सर वो तो मैम जाने की क्यों उन्होंने रिजेक्ट, लेकिन अभी क्या बोला गया है आपको? अभी उन्होंने इंडियाज गोट टैलेंट से आया कि सीजन 10 में आप आ रहे हैं, आप आइए, मुझे एक छोटा सा वीडियो भेज दीजिए कि हाँ मैं इंडियाज गोट टैलेंट में आ रहा हूँ। अब सोचिए कि अभी अगर देखा जाए तो वहीं से नहीं बल्कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सोनू सूद के द्वारा एक मूवी में आपको गाने में गाना गाने के लिए भी बोला गया है, तो उसके लिए कब जाने वाले हैं? 27-28 सर वहीं पे रहेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जाने का वहाँ पे। अच्छा, यानी कि सोनू सूद ने आपको फ्लाइट से मुंबई बुला लिया है जी, तो फ्लाइट से अब जाएंगे ना? फ्लाइट से या ट्रेन से, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं करवाया तो खुद से ही जाना पड़ेगा। अच्छा, खुद से ही जाना पड़ेगा जी, जी। अच्छा, एक और गाना आप सुना रहे थे बहुत अच्छा, वो गाना कुछ गाना लिखे, वो गाना सुनाइए। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा अब है सामने, क्या बात है, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, देख सकते हैं कि कमाल का इनका आवाज है। कैसा लग रहा गाना इनका आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो देर से ही सही, लेकिन कम से कम इनको मौका तो मिला। बहुत सारे कलाकार फोन तो कर रहे हैं, कौन कौन से कलाकार का फोन आ चुका अभी तक? अभी तक एक नीतू चंद्रा मैम है, उनका कॉल आया, और सबसे पहले धन्यवाद दूंगा मैं मनोज मुंतशिर सर को। सबसे पहला अगर कोई इंसान है तो उन्होंने ही मेरा वीडियो को लाइक और कमेंट भी करके, नीतू चंद्रा मैम से भी पहले, बहुत दिन पहले, कि अमरजीत तुम बहुत अच्छा, मतलब आप बहुत अच्छा गाते हो, अपना कॉन्टेक्ट नंबर हमें इस जीमेल पे भेजे। तो मैंने उनको भेजा था, और 24 आवर के लिए उन्होंने भैया मतलब मेरा स्टोरी लगाया था उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे। तो सबसे पहले मैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, उनके बाद से ही मेरा सब कुछ थोड़ा थोड़ा अच्छा होने लगा। जो भी सेलिब्रिटी लोग सुन रहे हैं वो वाली बात। अच्छा, हम इस समय सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि पहले जो है कहीं ना कहीं आप में टैलेंट है, लेकिन पहले बहुत सारे लोगों के पास आप फोन कर रहे थे, बहुत सारे लोगों के पास बोल रहे थे कि मेरा तस्वीर भी बनाइए, लेकिन अभी जिस प्रकार से आप फेमस हुए हैं, पहले से कितना बदलाव हुआ है? पहले से बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है जी। हाँ, क्या क्या मतलब सुधार किए हैं पहले? मतलब जब गाना वगैरह गा रहे थे तो लोग बहुत कुछ बोल रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे। उस बीच में हमारे भैया है, कुंदन भैया इनका नाम है, चंदन भैया, कि जब हम गांव में गा रहे थे ना, तो इनको कैसे करके हम भैया से मेरा बात हुआ कि भैया हम गाते वाते हैं, तो भैया ने बताया कुंदन भैया के बारे में, तो इन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे बोला कि तुम्हें जितना भी सपोर्ट की जरूरत होगी तुम मेरे साथ आओ दिल्ली। इन्होंने मुझे प्रोफेशनली सिखाया म्यूजिक वहां जाके, जो भी मंथली की पैसा होता था भैया देते थे, यानी कि पहले ये लोग बहुत सपोर्ट किए आपको, है ना? पहला वो व्यक्ति है हमारे कुंदन भैया, जिनकी वजह से मैंने थोड़ा सा कुछ दिल्ली में जाके मैंने सीखा। वो एक सपना होता है गरीब घर के बच्चों का कि मैं सिटी में जाके रहूं, उतना बड़ा सिटी में मेन टाउन में रह के मैंने इनके वजह से कुछ प्राप्त किया। आपके पिताजी जो है क्या करते हैं? सैलून चलाते हैं। अच्छा, सैलून चलाते हैं। आपने कभी सोचा था कि हमारे पास सोनू सूद का कॉल आएगा और भी तमाम बड़े बड़े सुपर स्टार का कॉल आएगा? जी नहीं, कभी नहीं सोचे थे। लेकिन वो सपना कहीं ना कहीं आपने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर ये साबित किया, तब उतने सारे लोग आपको कॉल कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। ये बताइए कि अभी जो है बॉलीवुड के तो बहुत सारे कलाकार आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या भोजपुरी के कोई कलाकार जो है आपके पास कॉल किए हैं या फिर आपके गाने को शेयर किए हैं? जी नहीं। ऐसा क्यों? हमें अभी बिहार के रहने वाले हैं और वो भी बिहार के हैं, लेकिन बिहार से बाहर के कलाकार आपको सपोर्ट? हमारे भैया क्या बोले अगर सुन लीजिए भैया, क्या एक नया कंपटीटर पैदा हो सकता है? यही कारण है। अभिनव भाई, आपको क्या लगता है कि पवन खेसारी अब तक इनका वीडियो कोई शेयर नहीं किया? हाँ देखिए, हाँ भोजपुरी का किसी ने नहीं, बड़े बड़े सुपरस्टार, हाँ उन लोगों ने नहीं किया। अब क्यों नहीं किया ये सोचने वाली बात है, इससे पहले भी आपको नजर आता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये सब ऐसा क्षेत्र है ना कि आपको खुद ही अपना काम करना होता है। धीरे धीरे सही हो सकता है कि ये भोजपुरी गाना नहीं गाते इसलिए कोई वो तो है, अश्लील गाना नहीं गाते हैं। अगर आप अश्लील गाना गाते तो पवन खेसारी आपके वीडियो को शेयर कर दिए रहते। जी बिल्कुल, उम्मीद है कि वो होता जी बिल्कुल। अच्छा, आप आगे अगर मौका मिलता है पवन सिंह के साथ, खेसारी लाल यादव के साथ, तो उनके साथ भी काम करेंगे? मैं एक मैटर अगर सही रहा तो मैं डेफिनेटली मैं उनके साथ करूंगा। करेंगे
सुनेंगे एकदम ना जी बिल्कुल। एक भोजपुरी गाना भी हम चाहेंगे कि आप सुनाएं क्योंकि थोड़ा बहुत भोजपुरी गाना भी गाते हैं ना। मेरा जो प्यारा गाना है मैं वही गाता हूँ, पवन जी का। उड़ जाला नींदिया रहेला न चैना हो, उड़ जाला नींदिया सावन भदौवानियन बरसेला नैना हो, सावन भदौवानियन बरसेला नैना हो। केहू के दिल में बसा के, केहू के दिल में बसा के दर्द ना लिहा, प्यार के करो से न करिहा जी। वाह बहुत बढ़िया। अच्छा एक और गाना है, हो तेरी नजरों से ऐसा जादू किया, एक गाना आप खूब गाते हैं, वो गाना सुनाइए जी। उसको याद करना पड़ा जी, जुबिन नौटियाल। हाँ सुनाइए। दिल मेरा धड़का था कस के, ये वाला है मैं सुनाता हूँ। मैंने जब देखा था तुझको रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया। दिल मेरा धड़का था कस के, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पल तेरा हो गया। आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में, आँख ठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली दिल का सौदा हुआ, चांदनी रात में हो तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो क्या पहले मुलाकात। बहुत बढ़िया, देख सकते हैं कि कमाल का ये गाना गा रहे हैं। कैसा लग रहा है गाना इनका? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ही। बाकी इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।